पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 एनसीईआरटी को आज इस वीडियो में पढ़ने से पहले आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन रानू वर्मा क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। सेम वॉल्यूम का एक 1 kg का वेट और एक 2 kg का वेट अपने हाथ पर रख लें तो नेचुरल है कि 2 kg का वेट आपके हाथ पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब वेट के बराबर ही फोर्स लगता है। इसका मतलब वेट और फोर्स एक ही चीज हुई, यानी वेट इक्वल टू फोर्स। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर इसी वेट को हम कुछ दूर डिस्प्लेस करें तो हम कहेंगे कि उस पर काम हुआ है। अब जितना हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे उसमें उतना ही एनर्जी होगी, यानी यहाँ वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी वर्क इक्वल टू एनर्जी। अब चलो एक्टिविटीज से पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी दो सिचुएशन के कारण होती है। पहली, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसके विन्यास के कारण, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दें। तो चलो डिटेल में समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। हमने रबर बैंड को खींचा, मतलब उस पर वर्क किया, मतलब फोर्स लगाया, जिससे उसके मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ी, मतलब मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हुए। इस स्ट्रेस्ड कंडीशन में हमने इसको फोर्स दिया हुआ है, लेकिन इस फोर्स के कारण रबर बैंड अभी कहीं मूव नहीं कर रहा है, बस खींचा हुआ है। और अगर दूसरे हाथ से इसे छोड़ दें तो बहुत कस के ये मेरे पहले हाथ पर फोर्स लगाएगा। स्ट्रेच्ड कंडीशन यानी खींची हुई कंडीशन में अभी जो एनर्जी मैंने इसे दी है वो एनर्जी किसी और एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो रही, मतलब इसमें पोटेंशियल तो है मेरे दूसरे हाथ पर फोर्स लगाने की, पर ये एनर्जी अभी स्टोर्ड है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी रुकी हुई स्टेज में है। तो चलो अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। अब ये रबर बैंड मैंने छोड़ दिया, अब उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके वो मूव करेगा। मूविंग स्टेज में इस एनर्जी लेवल को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर रबर बैंड दूसरी जगह पे आ गया, यानी कि वो डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में फिर से बदल जाएगी, क्योंकि अब वो रुकी हुई कंडीशन में है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला करके ही हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। स्ट्रेच के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके कन्फिग्रेशन के कारण है, यानी हमने इसके नेचुरल शेप से इसको अलग शेप में रखा हुआ है। H1 और H2 पे हम अर्थ से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, मतलब ज़्यादा हाइट पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में एक फैक्टर और जुड़ गया एंड दैट इज हाइट। नाउ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, m इक्वल टू मास, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ अर्थ एंड h इज हाइट। तो अब इसके डेफिनेशन को देखो। द पोटेंशियल एनर्जी पर्सिस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या हाइट सेम हो और पाथ अलग अलग हो, जैसे फिगर फर्स्ट और सेकंड में, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नाउ सी व्हाट इज रेट ऑफ वर्क डन। दो सेम वेट के ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस तक ले जाएं तो वर्क डन भी सेम ही होगा, क्योंकि वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये दूरी 10 सेकंड में और दूसरा ऑब्जेक्ट 20 सेकंड में करे तो इसे रेट ऑफ वर्क डन कहेंगे, मतलब जिसने जितना कम समय में कोई काम किया उसका रेट ऑफ वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो पावर किसे कहते हैं। अब आप अपने घर की टेबल को 5 सेकंड में पॉइंट ए से बी तक सरका देते हैं, दोबारा इसी काम को आप 2 सेकंड में करते हैं पॉइंट ए से बी तक, तो इसका मतलब आपने जो काम कम समय में किया उसमें पावर ज़्यादा लगी। वर्क और एनर्जी तो सेम था, लेकिन अब की आप चूंकि कम समय में काम किए तो आपकी पावर ज़्यादा लगी। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कितने समय में कितना काम हुआ। पावर की यूनिट वाट कहलाती है।
एक सेकंड में एक जूल के बराबर काम करने की जो पावर होती है उसको एक वॉट कहते हैं, यानी वॉट इक्वल टू जूल पर सेकंड। 1 kW इक्वल टू 1000 watts, दैट इज इक्वल टू 1000 joule पर सेकेंड। तो पावर और एनर्जी में कंफ्यूज ना हो जाना, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन और पावर इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, तो इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।